अब रसखान का चौथा एवं अंतिम सवैया है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की बांसुरी की तान पर सारे ब्रजवासियों का कृष्ण के वश में होने का भाव व्यक्त हुआ है। चौथा छंद है, काननी दे अंगुरी रहिबो मुरली धुनी मंद बजे है, मोहनी तानन सौ रसखानी अटाचड़ी गोधन गहे तो गहे, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगानी काले को कितने समुझे है, मायरी वा सुख की मुस्कानी समहारी न जय है न जय है न जय है। अर्थात प्रस्तुत सवैये में श्री कृष्ण की मुरली की धुन और उसकी मुस्कान के अचूक प्रभाव का तथा गोपियों की विवस्था का वर्णन किया गया है। इस सवैये में रसखान उस स्थिति का चित्रण करते हैं जब मुरली की मंद मंद ध्वनि श्री कृष्ण बजाते हैं तब गोपियां अपने कानों में उंगली दे देती हैं क्योंकि वह मुरली की धुन उन्हें विवश कर देती है। बांसुरी की मनमोहक तान को सुनने के लिए उन्हें घर के ऊपर अटारी पर चढ़ने के लिए विवश होना पड़ता है। सारे ब्रजवासियों को पुकार कर भले ही कितना कहो टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगानी, सारे ब्रजवासियों को पुकार कर भले ही कितना कहो भला वे कहाँ समझने वाले हैं, भला वे कहाँ समझने वाले हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि श्री कृष्ण के मुख की मुस्कानी इतनी प्यारी है कि हमसे संभाली नहीं जाती। माई रीवा सुख की मुस्कानी, एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, हे माई श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान इतनी सुंदर है कि हमसे संभाली नहीं जाती, यानी कि उनके मुंह की मुस्कान देखकर हम लोग विवश हो जाते हैं। इस सवैये में श्री कृष्ण की मुरली की मोहक धुन और उसकी मुस्कान के अचूक प्रभाव का तथा गोपियों की विवस्था का चित्रण हुआ है। गोपियां कभी अपने कानों में उंगली देने लगती हैं, कभी अटारी पर चढ़ जाती हैं, कभी श्री कृष्ण के मुस्कान के सामने विवश हो जाती हैं। उनकी दशा विचित्र हो रही है, ब्रजवासी भी उनके प्रभाव से अछूते नहीं हैं। यहाँ पर गोधन गह न गह, गह वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है अर्थात अनुप्रास अलंकार है। क वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, सवैया छंद है।